गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर क्लास फर्स्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, थिक एंड थिन। व्हाट इज द थिक, व्हाट इज द थिन, आपको मालूम है? थिक क्या होता है, थिन क्या होता है? थिक मतलब होता है मोटा और थिन मतलब होता है पतला। थिक को आप कैसे स्पेल करोगे, टी एच I C K and thin T H I N. Is that clear? Now it is a thick book. ये एक कैसी बुक है, थिक मतलब मोटी बुक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक मोटी बुक है। It is a thin paper. ये कैसा पेपर है, बहुत पतला, thin paper. ठीक है, बहुत पतला है। नाउ थिकर एंड थिनर, ये भी क्या होता है, मोटा एंड पतला। थिकर देखो, जब हम कंपेयर करेंगे तो हम थिकर थिनर का यूज करेंगे। अब देखो, एज कंपेयर टू दिस, दिस वन थिकर है ना। देखो आपको ये मोटा दिख रहा है ना, इसकी कंपैरिजन में तो ये थिकर हुआ, ये कैसा हुआ, थिनर हुआ। इज दैट क्लियर? Now you can see here, these are the two pencils. ठीक है, आपको ये दो pencils दिखाई दे रही हैं। ये कैसी है as compared to this, thinner है और ये thicker है, ये पतली है, ये मोटी है। ठीक है, अब आप देखिए, thickest and thinnest. Thickest जैसे हम लोगों ने previous lecture में पढ़ा था, thickest मतलब सबसे मोटा और थिनेस्ट मतलब सबसे पतला। तो आपको ये कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें सबसे पतली कैंडल कौन सी है और सबसे मोटी कैंडल कौन सी है? दिस वन थिकेस्ट कैंडल, ये सबसे मोटी कैंडल है और ये सबसे थिनेस्ट कैंडल है। ओके, नाउ आपको ये टावर दिखाई दे रहे हैं, तीन टावर। अब मुझे बताइए कि इन तीनों में सबसे मोटा कौन है और सबसे पतला कौन है? ठीक है, सबसे मोटा कौन हुआ, थिकेस्ट टावर दिस वन, एंड पतला दिस वन। इज दैट क्लियर? अब आपकी वर्कशीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, टिक द ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, टिक करना है थिक ऑब्जेक्ट को, जो मोटा ऑब्जेक्ट है उसे टिक करना है। दोनों में आपको पता चल जाएगा कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन थिकेस्ट है, कौन थिनेस्ट है। ऐसे ही सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए थे। ओके, थैंक यू।